किसी को शहर का अम तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। रहनुमा एमकेएम क्वाड्रा इसार हसन का कहना है कि एनए 240 में दिन भर पोलिंग स्टेशन से मारधाड़ हुई, एक जमात का कारकुन जान से गया, हमारे कारकुनान को जख्मी करने वालों के खिलाफ कानूनी चोरी करेंगे। जीत का सहरा शादा के नाम करते हैं। वसीम अख्तर ने अदा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एनए 240 की निश्चित सीट ली है, कारकुनों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वसीम अख्तर ने जीए मुहाजिर के नारे भी लगवाए। तरीके से एनकेएम मुखालिफ जमातों ने गुंडागर्दी और जिस तरीके से पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर अपनी रिवायत और अपनी असलियत और अपनी खसलत को दिखाया है वो काबिल मजम्मत है। हमारे जितने जख्मी कारकुनान हैं हम उनके ऊपर जिन्होंने तशद्दुद किया बराए नाम हम उनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कराएंगे। और एक जमात का एक कारकुन शहीद भी हुआ, ये काबिल मजम्मत वाकयात हैं कि किसी भी तरीके से कराची के अमन को किसी भी नारे और किसी भी नाम पर तबाह होने नहीं दिया जा रहा। इस अमन के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की हैं। बाकी तो आप हेड़ा बन के पेड़ा खाने आ गए यहाँ पर, तो आप लोग इस शहर के अमन अमान को हम ख़राब करने नहीं देंगे। और ये जीत ना सिर्फ डिप्टी इकबाल भाई की निशस्त थी बल्कि हमारे तमाम इस जीत का सहरा हमारे शहीदों को जाता है, असीरों को जाता है। खुदा ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि एमकेएम पाकिस्तान ने 240 एनए 240 की सीट वापस जीत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।